ऑल राइट दोस्तों, बिहार आईटीआई के काउंसिलिंग का तिथि को जारी कर दिया गया। जी हाँ, अगर आप बिहार आईटीआई में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन किए होंगे, एग्जाम दिए, उसके बाद माफ़ कीजिएगा रैंक कार्ड आया, मतलब रिजल्ट आया, तो यहाँ पर आपका काउंसिलिंग का डेट आ चुका है। आपका काउंसिलिंग 14 जुलाई से शुरू होने वाला है, 20 जुलाई तक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किस तरीके से आपको काउंसिलिंग करना है, काउंसिलिंग का क्या प्रोसेस रहता है, कैसे च्वाइस फिलिंग करना होता है, क्या लॉक सिस्टम है, कैसे लॉक करना है, उसके बाद आपका प्रथम मेरिट लिस्ट कब आएगा, अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करना है, सारा चीज मैं आपको ए टू जेड बताऊंगा। एक भी चीज छूट जाए तो कमेंट बॉक्स में आप बता के देख लीजिएगा, मैं एक भी चीज छोड़ने वाला नहीं हूं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। सबसे पहले आप अपने गूगल को ओपन कीजिए, सर्च कीजिए, लिख के टेक्टोन जॉब, इस तरीके से आपको जो है टेक्टोन जॉब लिख के सर्च करना है। मैं इसे आईफोन दे देता हूं, इस तरीके से लिख के सर्च करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा टेक्टोन जॉब, तो यहां पर आपको यह पहला वेबसाइट दिखेगा, सिंपल क्लिक कीजिएगा। दोस्तों इस वेबसाइट पर आपको एडमिट कार्ड, न्यू जॉब्स, रिजल्ट, आंसर की, यूनिवर्सिटी अपडेट, सारा चीज मिल जाता है। तो आप हमारे साथ जरूर जुड़ के रहिएगा, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का सपोर्ट मिलता है, तो आप प्रीमियम फीचर्स का फायदा उठाइए। प्रीमियम मतलब ये नहीं कि पैसा लिया जाता भाई, फ्री में आपको सब कुछ परोस के खाने के लिए आगे दिया जाता है। खैर कोई नहीं, आपके मन में जो चलता है कीजिए। टेक्टोन जॉब इस तरीके से वेबसाइट खुलेगा, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, न्यू जॉब्स का सेक्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको सारा जगह लिंक मिल जाएगा। तो न्यू जॉब्स में ही आपको दिखाएगा बिहार आईटीआई काउंसलिंग 2023, देख सकते हैं नीचे भी आइएगा। तो एडमिशन वाला मैं आपको बिहार आईटीआई काउंसलिंग 2023 प्रोसेस, डॉक्यूमेंट, फी, एडमिशन, ये लिंक को खोज के, हो सकता है नीचे लिंक चला जाए, लिंक को खोज के उस आप लिंक पे क्लिक कीजिएगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इस तरीके से वेबसाइट खुल जाएगा, लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा गया है। मुझे लगता है यार इतना लंबा आर्टिकल बिहार आईटीआई पर शायद ही कोई लिखा होगा, बट आप पढ़ के देखिए यार, बोल रहे हो कि यार। खैर कोई नहीं, इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा, सारा डिटेल दिया गया, आप एक एक करके पढ़ सकते हैं कैसे काउंसलिंग होगा, यहाँ पर बता दिया गया है। उसके बाद सारा चीज़ बताया गया, देख सकते हैं। पहले तो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके पास व्हाट्सएप होगा, जरूर ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत सारा फायदा होगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं, अब आपको यहाँ मैं बता दिया हूँ आईटीआई की काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो दोस्तों आईटीआई काउंसलिंग में जो है कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, सिर्फ आपको ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग करना होता है, कॉलेज सेलेक्ट करना होता है, बस। नीचे आइएगा और यहाँ पर आपको डिटेल दिया गया, चेकआउट कर सकते हैं। बिहार आईटीआई के काउंसलिंग के प्रोसेस में आपको एक भी पैसा भी नहीं लगता। जी हाँ, जैसे आप मान लीजिए ऑनलाइन काउंसलिंग कीजिएगा तो एक भी पैसा नहीं लगेगा। हाँ, एडमिशन के समय आपका पैसा लगता है 1000-1500 के बीच। नीचे आइएगा, बिहार आईटीआई का एडमिशन का प्रोसेस बताया गया, पढ़ सकते हैं, अदरवाइज मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, च्वाइस फिलिंग करना होता है। च्वाइस फिलिंग कैसे करना होता है, मैं एक वीडियो बना दूंगा 14 जुलाई को। च्वाइस फिलिंग जैसे आप कीजिएगा, उसके बाद आपका जो है प्रथम अलॉटमेंट लेटर आएगा। जैसे च्वाइस फिलिंग आपका 14 तारीख से लेकर 20 जुलाई के बीच होगा, उसके बाद आपका प्रथम जो मेरिट लिस्ट आएगा, प्रथम अलॉटमेंट लेटर, वो 27 जुलाई को आएगा। अगर मान लीजिए आपका नाम आ गया 27 जुलाई को, तो आपका एडमिशन जो होगा वो आपका 28 तारीख से 2 सितंबर तक आपका होने वाला है। माफ़ कीजिएगा, 2 सितंबर तक नहीं होगा, 2 अगस्त तक होगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। उसके बाद आपका नाम आता है तो एडमिशन के समय आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगता है, क्या डॉक्यूमेंट लगता है मैं एक वीडियो बनाकर बता दूंगा। ये काउंसलिंग का देख सकते हैं नोटिस आया है, एक नोटिस और नीचे में है, ये वाला देख सकते हैं। सीट मैट्रिक्स आ चुका है, नीचे डाउनलोड करने का लिंक भी दे दिया हूँ। सीट मैट्रिक्स मतलब ये होता है कि आपके जिला में, जो आपका जिला है उसी जिला में आप एडमिशन करवा सकते हैं, जो भी कॉलेज है आपके जिला में, कितना कौन सा ट्रेड में आपका सीट है वो बताया गया है सीट मैट्रिक्स में। नीचे में आपको डाउनलोड करने का लिंक दिया गया। अब देखिए यहां पर आपका जो होगा स्टार्ट जो होगा काउंसलिंग, वो 14 तारीख शुरू होगा, 20 तारीख तक कर सकते हैं। फर्स्ट प्रोविजनल जो सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा वो 27 तारीख को आएगा, उसके बाद आपका फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर 27 तारीख से लेकर 2 तारीख तक आपका डाउनलोड होगा, और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी जो होगा वो आपका 27 तारीख से लेकर 2 अगस्त तक होने वाला है। उसके बाद सेकेंड राउंड जो आएगा वो 7 अगस्त को आएगा, 7 से लेकर 13 अगस्त तक आपका जो है सेकेंड अलॉटमेंट लेटर के आधार पर एडमिशन होगा। ये नोटिस है, पूरा जो है काउंसलिंग का डेटा है, टाइम शेड्यूल है, चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं यहाँ पर बता दिया हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। नीचे आइएगा, देखिए आप बिहार आईटीआई का काउंसलिंग तो कल से शुरू होगा, बट अगर आपको प्रोसेस जानना है तो चेकआउट कर सकते हैं, एक एक फ्रेम में मैं बता दिया हूँ। पहले बिहार आईटीआई सर्च कीजिएगा, ये वेबसाइट खुलेगा, यहाँ पर लिंक दिखाएगा, इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, और यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है पासवर्ड बनाना है एंड लॉगिन करना है। देख सकते हैं च्वाइस फिलिंग का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। जो ट्रेड आप एक नंबर में देना चाहते हो उसे ऐड क्लिक करके च्वाइस फिलिंग पे डाल दीजिएगा, सबमिट कीजिएगा, यहाँ पर आपको प्रिंट का लॉक का ऑप्शन दिखेगा, लॉक कीजिएगा, प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा, प्रिंट पे कीजिएगा, और आपका प्रिंट हो जाएगा, रख सकते हैं, और आपका च्वाइस फिलिंग हो गया, काउंसलिंग हो गया। फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर का इंतजार करना है जो कि 27 जुलाई को जारी किया जाएगा, उसके बाद आपका एडमिशन का प्रोसेस शुरू होगा। तो ये पूरा जो है प्रोसेस है, नीचे में देख सकते हैं बिहार आईटीआई काउंसलिंग का डायरेक्ट लिंक दिया गया, इस लिंक पे क्लिक कर काउंसलिंग कर सकते हैं।
उसके बाद रैंक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, सीज मेट्रिक डाउनलोड कर सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया गया, सब चीज़ दिया गया, चेकआउट जरूर कीजिएगा। ज़्यादा वीडियो लंबा खींचने का कोई फायदा नहीं, कोई समस्या होता है तो डायरेक्ट आप मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर जाइए, वहाँ पर मेरा एडमिन पैनल में नंबर है, मैसेज कीजिए, आपको आधे घंटे के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा हमारे टीम से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।